हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज मैं हेलोवीन थीम पर बनी बहुत ही बढ़िया मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसे पूरा देखने के बाद आप यही बोलोगे कि अपुन को इसका सेकंड पार्ट अभी मांगता है। सो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2017 में आई हॉरर थ्रिलर मूवी द टेरर ऑफ हेलोज ईव को। IMDB पे से मिले हैं 5.1 आउट ऑफ 10 स्टार्स और मेरी खुद की रेटिंग इस मूवी को है 8 आउट ऑफ 10। सड़े हुए टमाटर पर यह है 70% फ्रेश विद 23% ऑडियंस स्कोर। सो आप बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है 30 अक्टूबर 1981 में, जहां हम तीन लड़कियों को हाई स्कूल से घर जाते हुए देखते हैं। जब वो लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, तभी उनमें से एक लड़की को रास्ते में कुछ खून के निशान दिखते हैं, तो वो उनके पीछे जाती है और कुछ कचरे के डब्बों के पीछे उस लड़की को एक टिमी नाम के लड़के की लाश मिलती है, जिसके सारे नूडल्स बाहर निकले हुए थे। तभी उस बॉडी में से पान पिचकारी की तरह ढेर सारा खून उस लड़की के ऊपर उड़ता है, स्पेशली थोबड़े पे, जिससे डर कर वो लड़की गला फाड़ते हुए वहां से भाग जाती है। एंड उसके जाते ही वो लड़का उठकर अपने ऊपर से वो सारे फेक नूडल्स और खून हटाता है। एंड हमें पता चलता है कि ये सब टीमी का एक प्रैंक था। तभी उस लड़की का बाप गुस्से में टीमी को गर्दन से पकड़ते हुए उसके घर ले जाता है और टीमी की माँ से कहता है कि वो उनके नालायक बेटे के रोज के भद्दे प्रैंक से परेशान हो चुका है और अगर टीमी उसके साथ ऐसा ही करता रहा तो वो टीमी को बाथरूम में बैठने लायक भी नहीं छोड़ेगा। अब ये इस अंकल ने कुछ ज्यादा बोल दिया था, जिस पर टीमी की माँ उस आदमी को धमकी देती है कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो वो पुलिस में कंप्लेंट कर देगी। जिसके बाद टीमी की माँ टीमी को समझाती है कि अब उसे ये प्रैंक्स वगैरह बंद करने होंगे, क्योंकि लोगों को ऐसे मजाक पसंद नहीं आते, जिस वजह से उसका नाम खराब होगा। यहाँ हम टीमी को किसी डीमन जैसे फिगर का स्कल्पचर बनाते हुए देखते हैं। उसकी माँ बोलती है कि वो कितना होशियार है ये कोई नहीं समझेगा, सो उसे ये प्रैंक्स बंद कर देने चाहिए, जिससे वो आगे जाके किसी मुसीबत में न फंसे। और टीमी अपने माँ से वादा करता है, जिसके बाद उसकी माँ अपने जॉब पर चली जाती है। रात को टीमी अपने रूम में बहुत बोर होने लगता है, जिस वजह से वो अपने ड्राइंग पैड पे एक डरावने मॉन्स्टर की स्केच बनाने लगता है। तभी उसे एटिक से कुछ आवाज आती है, तो वो देखने के लिए एटिक में जाता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। पर जैसे ही वो एटिक में जाता है, उसका ही बनाया हुआ फेक मॉन्स्टर उस पर आकर गिरता है, जिससे टीमी डर जाता है। फिर वहां टीमी को उसके पास्ट के हेलोविन के दिन की सारी फैमिली की फोटोज मिलती है, जिसे देखकर वो पुराने दिनों में चला जाता है जब वो छोटा था। उसका बाप एक शराबी था और सस्ता नशा करता था। एक दिन टीमी को उसके पापा के जेब से ड्रग्स की पैकेट मिलती है, जिस वजह से उसके पेरेंट्स के बीच बहुत ही बड़ा झगड़ा होता है। एंड इतने झगड़े के बाद उसके पापा वादा करते हैं कि वो आज के बाद कभी भी नशा करना नहीं छोड़ेंगे। तो और क्या होना था, टीमी और उसकी माँ वो घर छोड़कर चले जाते हैं। फिर सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होती है, जिसमें टीमी वो सब याद करके रो रहा था। फिर वहां टीमी को द बुक ऑफ हेलोविन नाम की एक बुक मिलती है। वो बुक खोलता है और उसमें लिखी कुछ लाइंस पढ़ता है, और उन लाइंस के बाजू में एक अजीब से मॉन्स्टर की पिक्चर बनी हुई थी, जिसका नाम द ट्रिक्स्टर था। फिर अगली सुबह टीमी और उसकी माँ स्टोर जाते हैं। उधर हम स्टोर की एम्प्लॉय अप्रैल को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड ब्रायन के साथ थी। पर जैसे ही टीमी और उसकी माँ बिलिंग काउंटर पर आते हैं, ब्रायन बाहर चला जाता है। फिर टीमी की मॉम आकर अप्रैल से बात करने लगती है, और अप्रैल टीमी से पूछती है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, जिस पर टीमी मन में बोलता है तुम जैसी माल को कौन भूल सकता है। जिसके बाद वो अपने दिमाग में अप्रैल और अपने अलग ही ख्याली पुलाव पकाने लगता है, और हमें पता चलता है कि टीमी को अप्रैल के ऊपर क्रश है। अब एक टीमी शर्म कर, वो तुझसे बड़ी है। बट एनीवेज, टीम की माँ उसे अप्रैल के सामने टीमी कहकर बुलाती है, जिस पर टीम को मिर्ची लगती है क्योंकि टीमी किसी बच्चे की तरह साउंड करता था। तो वो अपनी माँ से गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। स्टोर के बाहर वो ब्रायन और उसके दोस्तों को देखता है, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। टीमी अपने कार का दरवाजा खोलता है, पर गलती से ब्रायन के कार पर स्क्रैच पड़ जाता है। अब इस पर ब्रायन का दिमाग खराब हो जाता है, एंड वो और उसके दोस्त टीमी को घेर लेते हैं, जिसके बाद वो लोग उसे माँ बहन की गालियां देने लगते हैं। फिर वो लोग उसे मारने ही वाले होते हैं, पर तभी टीमी की मम्मी बाहर आकर ब्रायन और उसके दोस्तों को खसकाती है और उन्हें पुलिस बुलाने की धमकी देती है। तो ब्रायन और उसके दोस्त टीमी को छोड़ देते हैं, जिसके बाद टीमी और उसकी मम्मी घर चले जाते हैं। घर आने के बाद उसकी माँ टीमी को सजेस्ट करती है कि वो ब्रायन की कंप्लेंट स्कूल में करे, पर कमीना टीमी अपनी माँ पे ही चिल्लाता है कि वो हमेशा उसके काम में दखल देती है। अबे साले, तुझे शर्म आनी चाहिए, जो माँ तुझे दुनिया से बचा रही है, तुझे अच्छा सिखा रही है, उस पर ही अपनी चर्बी दिखा रहा है, वाह। जिसके बाद टीमी कुछ ऐसा बुरा बोलता है, जिसे सुनकर उसकी माँ उसे फन्न कर से एक झापड़ लगा कर देती है। पर कुछ पल में ही उन्हें इस बात का बुरा लगता है और वो टीमी से माफी मांगती है, वाह भाई। तभी डोरबेल बजती है और टीमी डोर ओपन करता है और देखता है कि उसकी मॉम की फ्रेंड बाहर खड़ी थी। टीमी की मॉम उसे कुछ सामान लाने के लिए कहती है और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए बोलती है, बट गेस व्हाट, टीमी का कोई दोस्त ही नहीं था। टीमी कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है, जिससे उसे मालूम पड़ता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है। जब टीमी की मॉम की दोस्त चली जाती है, तो टीमी की मम्मी अपने कार में बैठकर बहुत रोती है, जिसके बाद वो अपने काम पर चली जाती है।
अब यहां पर मैं आप सबको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि इज्जत करो अपने मॉम की, क्योंकि वो इस दुनिया में साक्षात भगवान है। पता है कभी कभी मम्मी लोग भी थोड़े गलत हो जाते हैं, पर हमारा काम है उन्हें समझना, क्योंकि उनका एहसान कोई भी उतार नहीं सकता। और मम्मी लोग हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे और उनके पति उन्हें समझे, उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए होता। अब बैक टू द स्टोरी। फिर दूसरे सीन में टिमी उसी स्टोर जाता है जहां अप्रैल काम करती थी। वो दोनों काउंटर पर फ्रेंडली बात कर रहे होते हैं कि तभी एक मकड़ी वहां आ जाती है, जिसे अप्रैल डर जाती है। लेकिन टिमी अप्रैल को इम्प्रेस करने के लिए वो मकड़ी अपने हाथ में लेकर स्टोर से बाहर चला जाता है। और स्टोर के बाहर फिर से ब्रायन और उसके दोस्त टिमी को पकड़ लेते हैं, एंड वो उसकी मैगजीन छीन लेते हैं और उसी का दूध उसके ऊपर गिरा देते हैं, जिसके बाद वो उस पर हंसने लगते हैं। टिमी को गुस्सा आता है और वो ब्रायन को मारने लगता है, लेकिन ब्रायन साइज में बड़ा था तो वो आराम से टिमी को ओवरपावर कर लेता है, जिसके बाद ब्रायन के दो दोस्त उसे और मारते हैं। टिमी बहुत जख्मी हो जाता है और वो अपने घर की तरफ भागता है, जहां रोड पर उसे एक पंपकिन दिखता है, तो वो उसे घर ले आता है। वो उस पंपकिन को गुस्से में काटता है और अपने आप से बोलता है कि काश वो उन सबको डरा सकता जो उसको परेशान करते हैं। तभी टिमी के नाक से एक खून की बूंद उस पंपकिन के अंदर जाकर गिरती है, एंड उसी वक्त उसके घर कुछ ट्रिक और ट्रीटर्स आते हैं, तो वो उनको कुछ चॉकलेट देता है और वो बच्चे वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो टीवी देखने लगता है, पर तभी गैराज के अंदर का बल्ब फूट जाता है और अंदर उसने जो पंपकिन रखा था वो ग्लो करने लगता है। टिमी उस पंपकिन को देख ही रहा होता है, तभी कोने से एक डरावना मॉन्स्टर उसके सामने आता है, एंड वो और कोई नहीं बल्कि द ट्रिक्स्टर था, जो टिमी ने सेम उस बुक ऑफ हेलोवीन में देखा था। ट्रिक्स्टर टिमी से बोलता है कि तुमने कुछ विश किया था और अब वक्त है खेलने का। टिमी पहले तो इसे एक सपना समझता है, पर ट्रिक्स्टर सच में उसके सामने था। वो टिमी से प्रॉमिस करता है कि वो उन सबको सबक सिखाएगा जिसने उसे परेशान किया। फिर रात में हम ब्रायन और उसके दोस्तों को अप्रैल के स्टोर के बाहर देखते हैं, और अप्रैल भी उनके साथ में थी, जिसने अभी अभी अपनी स्टोर क्लोज की थी। तो टिमी वहां जाता है और जानबूझकर उनको चिढ़ाता है और अपने पीछे आने पर मजबूर कर देता है, तो वो टिम के पीछे भागने लगते हैं। उनके पीछे अप्रैल भी आती है, जो उनको ये सब करने से रोक रही थी, पर वो लोग नहीं सुनते। टिमी उन सबको चिढ़ाते चिढ़ाते अपने घर में घुस जाता है, और ब्रायन और उसके दोस्त भी टिमी के घर में घुस जाते हैं, जहाँ दीवार पर उन्हें हैप्पी हेलोवीन एसहोल्स लिखा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो सब और चिढ़ जाते हैं। तो वो सब अलग अलग होकर टिमी को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। अप्रैल भी उनके पीछे आती है और उन्हें बार बार ये सब बंद करने को कहती है, पर इतनी बेइज्जती के बाद ब्रायन किसी भी हालत में टिमी को ढूंढ के सबक सिखाना चाहता था। फिर सीन टिमी के मम्मी के ऑफिस में शिफ्ट होती है, जहाँ टिमी की माँ काम कर रही होती है और वो बहुत थक चुकी होती है। वो लैंडलाइन से टिमी को कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाता, क्योंकि वो तो ब्रायन और उसके दोस्तों को टिंगाने में बिजी था। इधर घर में ट्रिक्स्टर टिमी से कहता है अब टाइम आ गया है उनको सबक सिखाने का। ब्रायन और उसके दोस्त टिमी को ढूंढने के लिए तीन अलग अलग रूम में जाते हैं। उनमें से पहला पागल एक रूम में जाता है, पर अपने आप को एक जंगल में पाता है, और दूसरा पागल अपने आप को अंधेरे रूम में पाता है, जिसमें बहुत सारे बलून्स लगे हुए होते हैं और बहुत सी क्रीपी स्माइल्स दीवार पर पेंट हुई होती है। एंड यहाँ ब्रायन, जो कि टीमी के गैराज में था, उसे गैराज में बहुत सी डरावनी चीजें देखने मिलती है। अब पहला पागल जो जंगल में था, उसको वहां एक कैंप साइट मिलता है, जहां एक पिग फेस वाला डीमन उसका इंतजार कर रहा था। और दूसरा पागल जो क्लाउन वाले रूम में था, उसे उधर एक बॉक्स मिलता है, जिसमें से टपक करके क्लाउन निकलता है, जिसे देखकर वो पागल डर जाता है। दूसरी तरफ टिमी की मॉम फिर से टिमी को कॉल करती है, एंड इस बार टिमी उनका कॉल उठा लेता है, जिसमें टिम की मॉम उसे कहती है कि उन्हें घर आने के लिए लेट हो जाएगा, पर टिम अपनी माँ से कहता है कि वो बहुत थका हुआ है और अब वो सोने जा रहा है। यहाँ ट्रिक्स्टर टिमी से कहता है अब हम उन सबसे अलग अलग तरीके से बदला लेंगे। फिर सीन पहले पागल पर शिफ्ट होती है, जिसे जंगल में एक टेबल पर एप्पल पाए दिखता है। अब इसकी जगह कोई और होता तो पहली फुर्सत में वहां से जान बचा के भागने का सोचता, पर ये कुंभकर्ण का बच्चा टेबल पर बैठता है और मजे से उस पाए को खाना शुरू करता है। पर तभी उसे ऊपर झाड़ पे कुछ अजीब दिखता है, जिसके बाद वो जैसे ही नीचे देखता है, वो पाए गंदे कीड़ों में बदल जाता है। छी, उसे बहुत गंदा लगता है और वो वहां से उठ जाता है। वो वहां से भाग ही रहा होता है, तभी वो डीमन उसके सामने आ जाता है। उस डीमन को देखकर इसकी फटके 36/100 हो जाती है। वो पागल उससे दूर भागने लगता है और वो डीमन उसके पीछे, एंड आखिरकार उनकी रेसिंग खत्म होती है और वो डीमन के हाथ लग जाता है, एंड वो डीमन एक चाकू से उसे काटने लगता है, जिसके बाद वो उसका पेट फाड़कर बोलता है, साले तूने मेरे कीड़ों वाला पाए खाया, अब मैं तुझे खाऊंगा। एंड वो डीमन उसके नूडल्स निकालकर खाने लगता है और वो पागल वहीं टपक जाता है। फिर सीन क्लाउन रूम में शिफ्ट होती है, जहां अपने आप म्यूजिक बजना चालू होता है और वहां एक कठपुतली का शो शुरू हो जाता है, एंड वो दूसरा पागल बिना कुछ सोचे आराम से उस शो को एंजॉय करने लगता है। फिर अचानक म्यूजिक बंद होती है और सारी कठपुतलियां चाकू से अपनी रस्सी काट कर उसकी तरफ बढ़ने लगती है, एंड ये सीन सच में थोड़ा डरावना है। ये देखकर उस पागल की पैंट आगे से पीली और पीछे से नीली हो जाती है, और वो जोर से चिल्लाते हुए टिमी को ये सब बंद करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसकी बहुत ही बुरी तरह फट चुकी है। ये सुनते ही वो सारी कठपुतलियां वहीं गिर जाती है।
वो भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वहाँ वो बड़ा सा पपेट क्लाउन उसको उन कठपुतलियों की तरफ ढकेल देता है और वो सारी कठपुतलियां घपाघप चाकू घुसाकर उसे मार देती है। इधर गैरेज में ब्रायन टीमी की चीजों को देखकर गुस्सा होता है और अप्रैल से बोलता है कि टीम एक सनकी है। अप्रैल उसे समझाती है कि ये सब छोड़ो और इधर से चलो, लेकिन वो नहीं मानता। तभी वहाँ वो डीमन आ जाता है। अप्रैल तो वहाँ से बचकर भाग जाती है पर ब्रायन फंस जाता है, जिसके बाद उस रूम में एक सुंदर कन्या आती है जो ब्रायन को अपनी अदाओं से खुद की तरफ आकर्षित करती है। वो धीरे धीरे ब्रायन की ओर आती है और बिना कोई वार्निंग दिए सीधा उसका गला काट देती है। ब्रायन मरते मरते जब उसकी तरफ देखता है तो वो सुंदर कन्या एक चुड़ैल में बदल जाती है और ब्रायन जगह पे नरक सिधर जाता है। इधर ट्रिक्स्टर टीमी से कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है एंड उसे याद दिलाता है कि अप्रैल अभी भी जिंदा है और हमें उसे भी मारना है। इधर अप्रैल डरी हुई होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ से बाहर निकले। वो वहाँ के दरवाजे खोलने की कोशिश करती है पर दरवाजे नहीं खुलते, तो वो अंदर ही एक रूम में छुपी रहती है और ध्यान रखती है कि कोई उसकी आवाज न सुने। पर तभी टीमी वहाँ आ जाता है और अप्रैल से बोलता है कि मैं बाहर निकलने में तुम्हारी मदद करूंगा, मेरे साथ चलो। अप्रैल पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। टीम उसे बताने ही वाला होता है कि तभी वहाँ ट्रिक्स्टर आ जाता है और टीम को अप्रैल के साथ देखकर बोलता है, पार्टी बदल लिया साला। टीम और अप्रैल वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर ट्रिक्स्टर उन दोनों को बाहर जाने नहीं देता। टीमी को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से बोलता है कि मैंने किसी को मारना नहीं चाहा था, बस मैं सबको डराना चाहता था। जिस पर ट्रिक्स्टर टीमी को याद दिलाता है कि तुमने ये विश मांगी थी कि तुम उन्हें इतनी बुरी तरह डरा सको कि वो मर जाए और अब तुम्हें ये सब खत्म करना होगा। फिर टीमी को याद आता है कि द बुक ऑफ हेलोवीन में ट्रिक्स्टर के बारे में लिखा था और उन्हें अभी वो बुक चाहिए वहां से बाहर निकलने के लिए। तो टीम एटिक के ऊपर जाने की कोशिश करता है पर ट्रिक्स्टर एक जायंट मॉन्स्टर बनकर उनके पीछे पड़ जाता है। जैसे तैसे अप्रैल और टीमी रास्ता बना लेते हैं और एटिक के अंदर चले जाते हैं। फिर उन्हें वो बुक भी मिल जाती है जिसमें लिखा होता है कि ट्रिक्स्टर को मारने के लिए सभी पंपकिंस को फोड़ना होगा। तभी नीचे से एक होल होता है और अप्रैल एक टनल में गिर जाती है। उस टनल में एक बड़ी मकड़ी अप्रैल का पीछा करती है। वो चिल्लाकर बचने की कोशिश कर ही रही होती है लेकिन टीमी उसे ढूंढकर वहां से बचा लेता है। टीमी उसे कहता है कि उन्हें वापस नीचे जाना पड़ेगा पंपकिंस के पास। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं ट्रिक्स्टर वहां आ जाता है तो टीमी बीच में आ जाता है और अप्रैल एक रूम में अपने आप को बंद कर लेती है। और इस बार ट्रिक्स्टर टीमी के बाप का रूप ले लेता है और उसके साथ इमोशन भरी बातें कर उस पर मेंटली अटैक करता है पर टीमी उसकी बातों में नहीं आता एंड ट्रिक्स्टर नर्कवासी हो जाए स्वाहा बोलकर पंपकिन को नीचे फेंक देता है जिससे पंपकिन फूट जाता है एंड ट्रिक्स्टर और टीमी के डैड चमकते हुए राग बनकर गायब हो जाते हैं। फिर टीमी फटाफट बेडरूम में जाता है और अप्रैल से कहता है सब खत्म हो गया है और अब हम बाहर निकल सकते हैं, जिसके बाद अप्रैल विंडो से बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो विंडो सीधा उसके ऊपर गिर जाता है और विंडो की कांच उसके बॉडी में घुस जाती है और वो वहीं मारी जाती है। फिर टीमी देखता है कि उससे एक पंपकिन बच गया था। तभी टीमी की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो वहीं सोफे पर बैठा था तो उसे लगता है कि वो एक बुरा सपना देख रहा था। तभी उसकी मम्मी इवनिंग शिफ्ट से घर वापस आती है। वो टीमी करके आवाज लगाती है फिर उसकी नजर दूसरे रूम में पड़ती है जहाँ ब्रायन और उसके दोस्त एंड अप्रैल की डेड बॉडीज पड़ी थी और हर जगह खून पड़ा हुआ था। वो डर कर चिल्लाती है तभी टीमी वहाँ आता है एंड उसकी माँ देखती है कि उसके हाथ में चाकू है जिसमें खून लगा है। वो डर कर उससे पीछे जाने लगती है और बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जिस पर टीमी बोलता है कि वो ये जानता है। तभी टीमी के पीछे एक मॉन्स्टर आता है और टीमी अपनी माँ को चाकू घुसाकर मार देता है। मेरे ख्याल से शायद टीम को लगा होगा कि उसकी माँ नहीं बल्कि ट्रिक्स्टर है। फिर सीन प्रेजेंट में एक मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट होती है जहाँ एक नई नर्स काम करने आई होती है जिसका नाम केली था। डॉक्टर उसे वहाँ के सभी रूल्स और उसका काम बता रहे होते हैं। तभी हमें टीम दिखाया जाता है जो काफी बड़ा हो चुका था। वो केली को टीमी के बारे में बताते हैं जिसने 5 खून किए हैं जिसमें उसकी माँ भी थी और वो अब तक उन खून का इल्जाम किसी मॉन्स्टर पर लगाता रहता है। और वो डॉक्टर उस न्यू नर्स से ये भी कहते हैं कि वो टीम को कभी टीमी कहकर ना बुलाए। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि उसे कब की फांसी हो जाती लेकिन उस टाइम वो छोटा था इसलिए उसे अरेस्ट नहीं किया गया और यहाँ पागल खाने में डाल दिया गया। वो नर्स टीम को विंडो से देखती है और उसे उसके लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि टीम बहुत उदास बैठा था लेकिन जो उसने कांड किए थे उसे सुनकर वो बहुत शॉक हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी नाइट शिफ्ट के लिए बैठती है। तभी एक दूसरा डॉक्टर आता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है तुम्हें उस पेशेंट की फाइल लानी है जिसकी मौत अभी अभी हार्ट अटैक से हुई है। वो बोलता है कि आज हेलोवीन की रात है और तुम सब पेशेंट से दूर रहना और अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना क्योंकि पता नहीं क्यों हेलोवीन को यहाँ के कुछ पेशेंट्स थोड़े ज्यादा ही साइको हो जाते हैं। इधर टीम को उस वक्त के फ्लैशबैक्स आते हैं जब उसको पहली बार मेंटल हॉस्पिटल लाया गया था। फिर वो उसके डेस्क पर बैठकर ड्रॉइंग बनाने लगता है। इधर केली फाइल्स वाले रूम में आती है और डॉक्टर ने जो फाइल मांगी थी उसे ढूंढने लगती है। तभी उनमें से एक ड्रॉवर्स में उसे टीम की फाइल भी मिलती है और इधर हम देखते हैं कि टीम केली की ही तस्वीर बनाता है। केली अपने डेस्क पर बैठकर टीम की फाइल खोलने ही वाली होती है तभी उसे एक कॉल आता है। कॉल पर कोई लड़की बोलती है प्लीज मेरी बात टीम से करवाओ, उसने यहाँ सबको मार दिया है और मेरी मदद सिर्फ टीम ही कर सकता है। केली पूछती है तुम्हारा उसने से क्या मतलब है, तो वो लड़की बोलती है वो खुद को द ट्रिक्स्टर बुलाता है।
तभी केली को टिम के फाइल में ट्रिक्स्टर का स्केच मिलता है और मूवी वहीं खत्म हो जाती है। अब ये ऐसी मूवी है जिसका बहुत ही बढ़िया सीक्वल बन सकता है, पर वो आएगा भी या नहीं पता नहीं। अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। दरअसल ट्रिक्स्टर हेलोवीन का एक ऐसा डीमन है जो अपने अपोनेंट्स को फेक चीजें दिखा के उन्हें ट्रिक करता है, जैसा कि उसके नाम में ही है। ट्रिक्स्टर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है जिससे उसे और ताकत मिलती है, एंड उसने टिमी को भी बेवकूफ बना के उसे वो सब करवाया जो वो चाहता था, और बड़े आसानी से उसने उन सब में टिमी को फंसा दिया। एंड एंड में टिमी से वो लास्ट पंपकिन फोड़ना रह गया था मेरे ख्याल से, इसलिए ट्रिक्स्टर अभी तक जिंदा है और अब वो दूसरे लोगों को परेशान कर रहा है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वो लड़की कौन थी जिसने टिम के लिए फोन किया था। अब ये तो हमें सेकंड पार्ट आने पर ही पता चलेगा। सो ये था मेरा द टेरर ऑफ हेलोज ईव का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स, एंड आई होप कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि जैसे ही मेरी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है, या आपको वेज मीम्स देखना पसंद है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज की लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट। तुम आखिर हो कौन? मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला।